नमस्कार, जोहार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, आपके इस अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम में स्वागत है। मैं योगेश योगी सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मामला जेपीएससी के हाईकोर्ट में जाने के बाद क्या हुआ, इस बारे में बात करूँगा। तो जो कंबाइंड जेपीएससी है, इसके जो मामले थे, उम्र संबंधी जो विवाद थे, उसकी जो फैसला आपके राजेश शंकर जी की अदालत में कल सुना दी गई। और इसे बैड न्यूज़ माना जाए या गुड न्यूज़ माना जाए यह मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु जो फैसला आई उसके अनुसार जो जेपीएससी की उम्र की कट ऑफ डेट जिसे मांग किया था प्रार्थी मुकेश कुमार और पंकज कुमार जी ने, जो कि उम्र को 2011 कट ऑफ करने की बात हो रही थी, उस बात को नहीं माना गया और उसे खारिज कर दिया गया। और जो तत्काल जो वैकेंसी है, यानी कि जो विज्ञापन अभी आई है, उस विज्ञापन को यथावत रखा गया है। और जेपीएससी द्वारा एक कदम उठाई गई, जो कि सर्वर स्लो होने के कारण आपकी फॉर्म नहीं भरी जा रही थी, उस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया के दौरान जो बाधाएं आ रही थी, उन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए एक सराहनीय कदम उठाई है कि इस डेट को आगे बढ़ाई गई है। तो फॉर्म अभी तक जो नहीं भरे हैं, वह 7th JPSC या कंबाइंड JPSC या 7th to 10th JPSC या संयुक्त JPSC, जो भी बोले, उसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और उसके लिए जो तिथि दी है वो 21 मार्च तक की हो गई है। तो आप लोग अभी जो भी नहीं भर पाए थे वे भर लेंगे। परंतु कई सारे कमेंट्स सिर्फ इसी से नहीं है, यह चैनल पूरी तरह से JPSC के सारे न्यूज़ से संबंधित है और उसके कोर्स से संबंधित है। तो यहाँ मामला एक आया है जो कि बहुत ही खराब बोला जा सकता है और जेपीएससी को यह सूट नहीं करती है। इस प्रकार के मामला है, छात्रों में पूरी तरह से वाहपोह की स्थिति है। वह क्या करे और क्या ना करे, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। उस वह विज्ञापन क्या है वह जान लेते हैं। वह विज्ञापन है 3/2008। एक विज्ञापन आई थी 3/2018 की। वह विज्ञापन थी सहायक लोक अभियोजक सीधी भर्ती परीक्षा 2018। दोस्तों, यह मामला क्या है और इसको क्यों बताना जरूरी है ये जान लें। कई छात्रों ने, जो अभ्यर्थियों ने, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं आनी और जेपीएससी के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं करने की वजह से वे इतने असमंजस में हैं कि वे कोई काम नहीं कर पा रहे। वो अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और अपने जो जुगाड़ है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या तात्पर्य है इसका, देखिए, इसको समझिएगा। 3/2018 में प्रेस रिलीज जारी होती है और प्रेस रिलीज जारी होती है कि सहायक लोक अभियोजक की सीधी भर्ती परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग लेगी। और उसी के तहत आवेदन की जो तिथि थी, वह आवेदन की तिथि थी 23/2/2018 से 8/4/2018 तक, यानी कि आवेदन भरी गई 23 फरवरी 2018 और 8 अप्रैल 2018 के बीच में। मामला देखिएगा, पूरे मामले पे बने रहिएगा दोस्तों। 23 फरवरी 2018 से 8 अप्रैल 2018 के बीच में फॉर्म भरी गई। उसके बाद जो फॉर्म भरी गई उसमें भी बहुत का छटनी की गई कि किनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा और किनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इस प्रकार से छटनी करने के बाद जो जो छात्र बचे, जो अभ्यर्थी बचे, उनके लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित हुई और वह तिथि थी 28/7/2019। 28/7/2019 को प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है, संपन्न हो जाती है। कुछ ऑब्जेक्शंस रहते हैं प्रश्नों के बीच में, परंतु वह ऑब्जेक्शन सॉल्व कर दिए जाते हैं और रिजल्ट का प्रकाशन भी हो जाता है। यहाँ तक सही है कि रिजल्ट का प्रकाशन हो गया, जो भी ऑब्जेक्शन थे वह सब ऑब्जेक्शन समाप्त कर लिए गए, रिजल्ट प्रकाशित हो गई इसकी। और मुख्य परीक्षा के लिए जो है, जो एलिजिबल कैंडिडेट थे उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया। तो मुख्य परीक्षा जो इसकी हुई वह थी 5 जनवरी 2020 से, 5 जनवरी 2020 से 9 जनवरी 2020 के बीच में जो मुख्य परीक्षा हुई, 5 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में यह मुख्य परीक्षा हो गई। अब क्या है मामला, क्यों
यहाँ पर लाना जरूरी था ये जान लीजिए। अब मुख्य परीक्षा हुई कितने दिन हो गए, एक साल हो गए, जनवरी फरवरी एक साल 3 महीने के आसपास मुख्य परीक्षा हुए हो चुके हैं, परंतु अभी तक रिजल्ट का कोई प्रकाशित का कोई नोटिस नहीं आया। अब बताइए कि जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं और जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा दे चुके हैं उनके साथ क्या समस्या है, उनके साथ वो किस किस मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं और वे किस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करें कि एक साल से मुख्य परीक्षा की कॉपी जही जांची गई है और एक साल से अभी तक कोई सूचना नहीं आई। और उससे भी बड़ी बात, बम्पर बात क्या है वो जान ले, उससे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो प्रस्तावित साक्षात्कार की तिथि है, यह प्रस्तावित साक्षात्कार की तिथि है वह 4th week of March 2021 लिखा हुआ है। एग्जाम कैलेंडर में कई बार सुधार होने के बाद जो तिथि मुकर्रर की गई है वह तिथि है चौथा वीक यानी कि लास्ट सप्ताह जो है मार्च का अंतिम सप्ताह में साक्षात्कार होनी है। आज कितने तारीख हो गए दोस्तों, अगर आप बात करेंगे तो आज जिस प्रकार से आज तारीख हो गई उस अनुसार से अगर हम देखें तो आज 16 तारीख हो चुकी है, कल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी तो आज 16 तारीख हो चुकी है, 16 मार्च आ चुकी है, अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है छात्रों के बीच में। अभ्यर्थी अब सोच रहे हैं कि जो हमने परीक्षा दी है मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ साक्षात्कार के लिए यह पता ही नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यह पता ही नहीं है उन्हें, क्या परीक्षा की रिजल्ट होगी यह भी पता ही नहीं है। और मार्च का अंतिम सप्ताह में आपने दिया है विज्ञापन में कि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपकी साक्षात्कार होगी, कैसे होगी साक्षात्कार। अब यहाँ देखिए प्रॉब्लम कहाँ है कि आप कुछ नोटिस भी दे, अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर हमने फ़ोन भी किया था ऑफिस में, ऑफिस से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रही है, तो किस बात के लिए हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर किस बात के लिए है जब आपके पास जानकारी होती ही नहीं है। आपको जब फोन किया जाता है कि सर विज्ञापन संख्या 3/2018 के बारे में कि इसकी रिजल्ट कब तक प्रकाशित होने की संभावना है, तो वहाँ से जवाब आता है कि सर हमें कोई जानकारी नहीं, तो हेल्पलाइन नंबर किस बात की, पहली बात है। और दूसरी बात है जब आप तिथि, जब अंतिम सप्ताह में 7 दिनों की जो अंतिम सप्ताह में आपने साक्षात्कार का घोषणा की है तो आप कितने दिन पहले मुख्य परीक्षा का रिजल्ट देंगे यह निर्धारित नहीं है क्या, इसमें कितने सारे और भी जरूरत पड़ेंगे जैसे सर्टिफिकेट का हो गया, किन्हीं का कास्ट से है तो कास्ट सर्टिफिकेट का हो गया, सारी चीज़ों की जुगाड़ भी तो उन्हें चाहिए। तो आशा करते हैं कि JPSC इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लेगी और इसकी रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी और इंटरव्यू जो साक्षात्कार है वह साक्षात्कार ले लेगी, ताकि जो कैंडिडेट वापो की स्थिति में है वह स्थिति से बाहर निकले और अपने तैयारी को फिर से नया आयाम दे, साक्षात्कार की तैयारी आराम से कर सके और जिस पद में के लिए उन्होंने सपने देखे हैं, आपको बता दें कि इसके लिए दिल्ली से लड़के आए परीक्षा देने के लिए, यूपी से लड़के आए परीक्षा देने के लिए, उन्होंने खोरठा पढ़ा बाकायदा क्योंकि एक रीजनल लैंग्वेज इसमें था परीक्षा में, और किसी ने खोरठा रखा, किसी ने नागपुरी रखा, किसी ने कुरमाली रखा और उसकी परीक्षा दी। लॉ के छात्र जो एडवोकेट हैं उन्होंने इस प्रकार से तैयारी करके मुख्य परीक्षा दी है और उनके साथ यह दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कि आप परीक्षा की तिथि घोषित किए हैं परंतु अभी तक आधी महीना बीत चुकी है, रिजल्ट की कोई घोषणा नहीं है, कोई सूचना ही नहीं है। अब छात्र करे तो करे क्या, अभ्यर्थी करे तो करे क्या, तो मामला तो यहाँ पर यह बहुत ही संगीन है दोस्तों। और यह सहायक लोक अभियोजक की जो सीधी भर्ती परीक्षा है उसको लेके बहुत ही वापो की स्थिति बनी हुई है और वे लोग चाह रहे हैं, JPSC से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट पब्लिश किया जाए और रिजल्ट पब्लिश करके इंटरव्यू का जो डेट है उस डेट में इंटरव्यू ले लिया जाए, ताकि हम जो बेरोजगार है वह अपनी सेवा दे सके और जो योग्य कैंडिडेट है उनकी सेवा से राज्य प्रगति कर सके। तो मामला जो है उसे समझने की ज़रूरत है। इधर एक है कि जो अदालत ने
इसे रिजेक्ट कर दी कंबाइंड वाली, और ये एक मामला इधर है जो कि आपका एक अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो आज का जो सेशन है जेपीएससी की इस परीक्षा को मेरा फोकस है 3/2018 को। दोस्तों आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जेपीएससी को ये पता चले कि इस प्रकार के मामले भी हैं, क्योंकि वे लगते भूल चुके हैं कि कोई परीक्षा हुई थी जिसकी मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है, जिसकी इंटरव्यू बाकी है, जिसकी इंटरव्यू लेनी है, भूल चुके हैं तो उन्हें याद आ जाए और जल्द से जल्द इसमें कुछ उचित कदम उठाए। धन्यवाद, जोहार। वकील भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद, जोहार।